इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इवेंट्स को समझने के लिए देखते हैं कि इवेंट्स जो है, द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो ए रेगुलर सीक्वेंस। क्या क्या है हम लोग देख रहे हैं कि अगर रिप्रोडक्शन का जो इवेंट्स है क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो है वो है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर होगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं, गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमिट्स होगा। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, किसका, जो जाइगोट बनेगा। पहले हम लोग देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन में गैमिटोजेनेसिस जो होता है वो क्या है। गैमिट्स क्या फॉर्मेशन करता है, गैमिट कैसे बनता है, तो कोई सेल है, टू एन है, उसमें मियोसिस का प्रोसेस होगा, उससे एन बनेगा, हैप्लॉइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि जिसमें क्रोमोजोम्स की संख्या हाफ होती है, उसको मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं एंड फीमेल में ओजेनेसिस कहते हैं। तो हैप्लॉइड जो है ये स्पर्म एंड ओवम का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम लोग गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अब इसमें कुछ गैमिट्स जो होता है वो कैसा कैसा होता है, तो कुछ होमोगैमिट्स और आइसोगैमिट्स, मतलब होमो मीन्स सेम, आइसोगैमिट माने सेम होता है। दोनों मेल और फीमेल का स्ट्रक्चर देखो बुक में जो दिया है वो सेम है, एक ही तरह का है। क्लैडोफोरा का जो गैमिट्स होता है देखने में मॉर्फोलॉजिकली देखोगे तो एकदम सेम लगेगा, लेकिन एक मेल है और एक फीमेल है। लेकिन दूसरा देखते हैं कि हेट्रोगैमिट्स में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल का स्ट्रक्चर जो होता है मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट एंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड टू इनटू मेल एंड फीमेल गैमिट्स। द मेल गैमिट्स इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमिट्स इज कॉल्ड ओभम। तो इसमें जो हेट्रोगैमिट्स है उसका गैमिट्स कैसा होता है, उसका मॉर्फोलॉजी कैसा होता है, डिफर होता है। यहाँ देखो स्पर्म जो है वो कैसा है, ह्यूमन बीइंग का देखो स्पर्म मोटाइल है, एक जो है नॉन मोटाइल है, तो दोनों का मॉर्फोलॉजी सेम नहीं होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग हेट्रोगैमिट्स। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म जो है इन प्लांट, मोनोसियस, डायोसियस, एस्टामिनेट एंड पेस्टिलेट। तो प्लांट में हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मोनोसियस। दीज टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द बाईसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट्स एंड सम फंगाई। कुछ प्लांट्स में जो बाईसेक्सुअल प्लांट्स है और कुछ प्लांट्स में होता है उसको हम लोग मोनोसियस कहते हैं। मोनोसियस मीन्स क्या, कि एक ही प्लांट है उस पर दोनों सेक्स, मेल एंड फीमेल सेक्स एक ही प्लांट पर रहता हो तो उसको मोनोसियस कहते हैं। दूसरा है हेट्रोथैलिक और डायोसियस। दीज टर्म्स आर यूज टू डिस्क्राइब द यूनिसेक्सुअल कंडीशन ऑफ प्लांट्स एंड सम फंगाई। प्लांट्स और कुछ फंगाई में देखा जाता है कि वो डायोसियस है, मतलब दोनों जो उसका सेक्स है वो दो प्लांट पर रहता हो तो उसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। एस्टामिनेट, दोज फ्लावर्स विच बियर्स ओनली एस्टामिन्स, एंड पिस्टिलेट्स, दोज फ्लावर्स विच बियर्स ओनली पिस्टिल और कार्पल्स। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मोनोसियस का एग्जाम्पल भी देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे मेज का प्लांट, मकई का अभी बहुत मिलता है देखने को, जाकर तुम लोग देखो उसको
कि जो मकई का फ्लावर है उसमें दोनों सेक्स क्या है, मेल एंड फीमेल, हाँ दोनों जो है पार्ट उसका एक ही प्लांट पर है, तो इसको हम लोग मोनोसियस प्लांट कहते हैं। इसी तरह हम लोग एनिमल्स में देखते हैं यूनिसेक्सुअल, बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। तो यूनिसेक्सुअल में क्या होगा, इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पेसीज आइदर मेल और फीमेल। जैसे कि कॉकरोच में देखते हैं, एक जैसे कोई एक कॉकरोच है हाँ, तो आइदर वो मेल होगा, मतलब मेल में क्या होगा, उसका मेल जो ऑर्गन्स है जैसे टेस्टिस है एंड एसेस्ट्री डक्ट, एसेस्ट्री ग्लैंड्स जो भी होगा वो मेल का एक ही कॉकरोच में होगा। दूसरा में क्या होगा, यूनिसेक्सुअल है, एक जैसे ह्यूमन में भी होता है मेल एंड फीमेल, फीमेल में फीमेल पार्ट्स होगा, मेल में मेल, तो अलग अलग होगा, एक सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म पर होगा। तो एक जैसे लड़का लड़की, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल। बायसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट स्पेसीज विच पजेसेस बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन सेम बॉडी। जैसे अर्थवर्म में तुम लोग पढ़ चुके हो कि एक ही अर्थवर्म है लेकिन उसमें दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म पर रहता है, मतलब मेल एंड फीमेल, उसको क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल। कुछ अर्थवर्म है, अर्थवर्म में लीच में सम स्पंज एंड टेप पर एग्जाम्पल इसका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल एनिमल्स कौन कौन होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गैमिट ट्रांसफर। गैमिट ट्रांसफर हम लोग गैमिट ट्रांसफर क्या है, तो जो हम लोग का फर्टिलाइजेशन जो प्रोपोर्शन है, गैमिट ट्रांसफर होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेल एंड फीमेल गैमिट पहले तो फॉर्मेशन हुआ प्री फर्टिलाइजेशन में, अब गैमिट ट्रांसफर हो जाएगा, गैमिट ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो एक होता है मोटाइल, कोई कोई गैमिट होता है नॉन मोटाइल, लेकिन कुछ केसेस में देखते हैं कि दोनों सेम एक ही तरह का होता है, तो उसको हम लोग आगे देखते हैं कि कैसा होता है। तो जो सेम तरह का है, इन मेजोरिटी ऑर्गेनिज्म मेल गैमिट इज मोटाइल वेयर एज फीमेल गैमिट इज नॉन मोटाइल, एक्सेप्शंस इन फ्यू फंगाई एंड लोअर एल्गी बोथ टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर मोटाइल। कुछ में देखते हैं कि एक ही तरह का, जिसको कि आइसोगैमिट का भी बात किए थे और होमोगैमिट एक ही तरह का था, वो किस में होता है, एल्गी में और कुछ फंगाई में, लेकिन हायर एनिमल्स का बात करते हैं कि उसमें क्या होता है, मेल अलग तरह का होगा, वो मोटाइल होता है जिसको स्पर्म कहते हैं, और ओवम जो होगा वो नॉन मोटाइल होता है। तो दोनों का ट्रांसफर होगा जिसके कारण क्या होता है, वो फ्यूजन हो जाता है, फ्यूजन होगा जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड सीनगैमी इन विच फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स टेक्स प्लेस एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। यह एक टर्म आ गया सीनगैमी। सीनगैमी मीन्स फर्टिलाइजेशन, दोनों गैमिट का फ्यूजन, मतलब दोनों गैमिट के फ्यूजन क्या होगा, दोनों का क्रोमोजोम्स, जैसे कि एन एन है, हैप्लोइड हैप्लोइड है, दोनों गैमिट का आके फ्यूज करेगा और टू एन का फॉर्मेशन करेगा, जो क्या हो कहलाएगा, जायगोट का फॉर्मेशन करता है। और जायगोट से ही हम लोग देखेंगे कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस होगा, आगे पढ़ते हैं। लेकिन एक यहाँ टर्म है, एक्सेप्शन केस में है, कभी कभी एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस। तो हम लोग यहाँ फर्टिलाइजेशन तो पढ़ लिए कि बिना फर्टिलाइजेशन का यहाँ पढ़ रहे हैं कि कोई भी जायगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा, जायगोट नहीं होगा तो ऑर्गेन बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन एक टर्म है पार्थेनोजेनेसिस, व्हाट इज पार्थेनोजेनेसिस,
In some organism like rotifer, honeybees and some lizards and birds, the female gamete undergoes development of new organism without fertilization. मतलब फीमेल गैमिट जो है बिना फर्टिलाइजेशन का क्या होता है, वो डेवलपमेंट में वो चला जाता है और उससे न्यू एक बॉडी का फॉर्मेशन कर देता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस. तो बिना फर्टिलाइजेशन का ही भी कुछ ऑर्गेनिज्म जो लोअर्स इनवर्टिब्रेट्स हैं वहाँ पर क्या होता है, जैसे रेप्टाइल, कुछ रेप्टाइल्स में है, हॉनी बी ऑर्थोपोडा का है, हॉनी बी में होता है, कुछ बर्ड्स में भी है. अनफर्टिलाइज्ड एक क्या कहलाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. वहाँ सीन गैमिट नहीं होगा, कोई भी गैमिट का फ्यूजन नहीं होगा, बल्कि फीमेल गैमिट जो है वही ग्रो कर जाता है, वही डेवलप कर जाएगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है. जैसे हनी बी, हनी बी क्या है, हनी बी में देखते हैं क्वीन है, एक ड्रोन है जिसको मेल गैमिट कहते हैं और एक क्या है, वर्कर्स है. तो वर्कर्स का काम जानते हो, मेल एंड फीमेल गैमिट है. तो मेल एंड फीमेल गैमिट जब फ्यूज करता है तो उसे क्वीन बनेगा, वर्कर्स बनेगा, लेकिन कुछ अनफर्टिलाइज्ड एग रह जाएगा, वही ड्रोन का फॉर्मेशन करता है जिसको हम लोग पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं. इसमें कोई फ्यूजन नहीं होता है, इसीलिए ये एन ही रह जाता है. हैप्लॉइड ही इसका जो पूरा बॉडी का सेल है वो क्या रह जाता है, हैप्लॉइड रह जाता है. तो ये फर्टिलाइजेशन में हम लोग देखते हैं दो तरह का है. फिर यहाँ तो पार्थेनोजेनेसिस पर है, और फर्टिलाइजेशन जो है वो दो तरह का है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, फिशेस एज वेल एज एम्फीबियंस, सीन गैमी फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एक्सटर्नल मीडियम वाटर. इट्स मेजर डिसएडवांटेज इज दैट ऑफ स्प्रिंग्स आर एक्सट्रीमली एक्सपोज टू प्रीडेटर हु थ्रेट्स देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड. इसमें क्या होता है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है, कुछ फिशेस में देखते हैं, मछलियों में, एम्फीबियंस फ्रॉग में देखते हो क्या होता है. 11th क्लास में पढ़े थे ना कि स्पॉनिंग होता है फ्रॉग के केस में क्या होता है. फ्रॉग में जो है वो आफ्टर कोपलेशन के बाद उसमें क्या होता है, फ्रॉग्स जो है एग एंड स्पर्म का ले करता है, कहाँ, पानी में, जो स्पॉन का फॉर्मेशन करता है एक्सटर्नली, और वहाँ पर क्या होता है, उसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. वहाँ जो गैमिट्स है दोनों का, वो दोनों फ्यूज करेगा और जायगोट का फॉर्मेशन करेगा, डेवलपमेंट भी एक्सटर्नल होगा. तो इसमें एक क्या दिक्कत है, एक यही नहीं, इसमें डिसएडवांटेज हुआ कि कोई भी प्रीडेटर आएगा उसके एग्स को खा जाएगा, ये जो भी जायगोट बनेगा एक से और जो स्पर्म है उसको खा जाएगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा, कितना खाएगा. तो इस तरह के एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, जो बाहर में फर्टिलाइजेशन होता है. जैसे कुछ फिशेस में भी ऐसे ही होता है, फिश में भी क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. तो इस तरह से देखते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. अब देखते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, डिफिनेशन देख लो. इन मेनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल समझ रहे हो ना, एक्वेटिक जो पानी में एनिमल्स रहता है उसको हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स कहते हैं. टेरेस्ट्रियल जो अर्थ पर रहता है उसको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक फंगाई एंड अदर हायर एनिमल्स
and majority of plants, they develop a special mechanism in which male deposits its gametes inside the female body and syngamy or fertilization takes place. In this case, the male gamete is motile and has to reach the female gamete in order to fuse with it. इसमें क्या होता है कि इंटरनल बॉडी के अंदर मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है. डेवलपमेंट भी ज़्यादा कुछ केसेस में अंदर होता है, कुछ केसेस में बाहर होता है. तो इसमें क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सर्वाइवल जो है जायगोट का या मेल एंड फीमेल गैमिट का क्या हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइवल रेट होगा. और इस तरह से अब हम लोग देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है. लास्ट इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जायगोट आर कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म with external fertilization the zygote is formed outside the body while with internal fertilization the zygote is formed inside the body. The development of zygote depend on type of life cycle and environment. In organisms like fungi algae, zygote develop a thick coat which is resist to damage. It undergoes a period of rest before germination. In organism the with haploentic life cycle, zygote divides by meiosis to form haploid spores that grow into haploid individual. अब क्या होता है कि हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं, कुछ तो इंटरनल हुआ कुछ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ, तो उसमें जायगोट का फॉर्मेशन होगा. जायगोट का क्या होगा, उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगा उसमें एम्ब्रियोजेनेसिस होगा. एम्ब्रियोजेनेसिस में जायगोट बनेगा, जायगोट में सेल डिवीजन होगा. पहले माइटोसिस में, उसमें माइटोसिस डिवीजन द्वारा सेल डिफरेंशिएट करेगा, फिर स्पेशलाइज टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, फिर ऑर्गेन बनेगा, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बनेगा, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है. इसी को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं.